राधे राधे एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं मेरे परिवार की ओर से। तो धनतेरस की पूजा कैसे की जाती है? धनतेरस की पूजा आपको उत्तर दिशा में करनी है, क्योंकि कुबेर की पूजा की जाती है धनतेरस के दिन, और कुबेर का जो स्थान है वो है उत्तर दिशा की ओर। तो उत्तर दिशा की ओर मुख करके आपको ये पूजा करनी है, और जिस जगह आप पूजा करने वाले हैं उस जगह को आप हल्दी से या गाय के गोबर से ज़रूर लीप लें, ताकि वो जगह जो है ना एकदम शुद्ध हो जाए। इसके बाद जो है ना, हमने यहाँ पे पट्टा बिछा लिया है, उसके ऊपर लाल कलर का कपड़ा बिछा लिया है, उसके ऊपर जो है ना इस तरह से मैं कुबेर की फ़ोटो लगा दूंगी। अगर आपके पास कुबेर जी की कोई फ़ोटो है या यंत्र है, इस पूजा में आप ज़रूर रख लें। इसके बाद जो है ना, दीपक को तैयार करेंगे। तो मैंने एक दीपक ले लिया है, घी का दीपक जो है ना मैं यहाँ पर तैयार कर रही हूँ। जब तक हम ये पूजा करेंगे तब तक ही दीपक जो है ना जलते रहना चाहिए। इसके बाद गौरी गणेश यानी लक्ष्मी जी गणेश जी का पूजन किया जाता है। इस पूजा में सबसे पहले गौरी गणेश, लक्ष्मी जी गणेश एक ही है, अलग अलग नहीं है। भगवान तो एक ही होते हैं, बस रूप आप अलग अलग कह सकते हैं। इसके बाद जो है ना, हमने यहाँ पे मोर पंख रख दिए हैं, क्योंकि धनतेरस के दिन मोर पंख ज़रूर खरीदे जाते हैं। कहते हैं कि जहाँ पर मोर पंख होते हैं वहाँ पर लक्ष्मी जी निवास करती हैं। जहाँ और दिवाली की पूजा यानी लक्ष्मी की पूजा, तो वो लक्ष्मी की वो सारी चीज़ें यूज़ की जाती हैं जो लक्ष्मी जी को पसंद है। सबसे पहले करेंगे हम गौरी गणेश का पूजन। तो सबसे पहले आपको चार बार इस तरह से जल घुमाना है, इसे कहते हैं स्नान करवाना। इसे ये जो है ना भाव का स्नान होता है, क्योंकि हमारी जो भगवान की मूर्तियां हैं वो कांच में एकदम पैक हैं। अगर आपकी मूर्तियां अगर खुली हुई हैं तो उनको अच्छे से प्रॉपर आप स्नान करवाएं पंचामृत से, शुद्ध जल से। उसके बाद जो है ना कलावा रूपी वस्त्र अर्पित करेंगे, चंदन का रोली का तिलक लगाएंगे, गणेश जी को जनेऊ चढ़ाएंगे, इत्र लगाएंगे, धूप दीप दिखाएंगे। तो सबसे पहले गौरी गणेश का आपको पूजन करना है। इसके बाद जो है ना कुबेर जी और धन्वंतरी जी का हम आपको पूजा करके दिखाएंगे। धन्वंतरी जी की पूजा इसलिए की जाती है, अगर मान लो आपके पास धन आ भी गया और वो धन सत्कर्म में नहीं लगा, बीमारियों में लगा, तो वो धन का कोई अर्थ नहीं है। कहते भी हैं कि पहला सुख निरोगी काया है। अगर आपकी काया अगर सुखी होगी, आपका परिवार अगर निरोगी होगा, तो सुख तो ऑटोमेटिकली आपके घर में आ जाएगा, और वो धन का सुख जो है ना आप महसूस कर पाएंगे। इसीलिए जो है ना धन्वंतरी जी की पूजा करना आज के दिन बहुत ज़रूरी होता है। मैंने यहाँ पे चावलों से आसन दे दिया है, धूप दीप जो है ना प्रज्वलित कर लिया है। एक तरफ मैं कुबेर जी को विराजमान करूँगी और एक तरफ जो है ना धन्वंतरी जी को विराजमान करूँगी। तो मैंने दो सिपाड़ी ले ली है, सिपाड़ी के ऊपर इस तरह से मैं कलावा लपेट रही हूँ। कलावा इसीलिए लपेटा जाता है क्योंकि ये मर्यादित होता है, तो कलावा लपेटना ज़रूरी है। तो सेम इसी तरह से मैं धन्वंतरी जी को तैयार करूँगी, और सेम इसी तरह से मैं कुबेर जी को तैयार करूँगी। अगर आपके पास कुबेर जी की मूर्ति है, कोई तस्वीर है, तो उसका भी आप पूजा कर सकते हैं। मैंने दोनों को इस तरह से विराजमान कर लिया है। अब इस तरह से चार बार जो है ना मैं जल से भगवान को स्नान कराऊंगी। सब दोनों की जो है ना मैं साथ के साथ पूजा करके आपको दिखा रही हूँ। इसके बाद एक बार मैं पंचामृत चढ़ाऊंगी, और इसके बाद जो है ना कलावा रूपी वस्त्र अर्पित करेंगे, सभी पर हम जनेऊ चढ़ाएंगे, फिर हम तिलक चंदन करेंगे, चावल चढ़ाएंगे, इत्र लगा देंगे, और इसके बाद जो है ना धन्वंतरी जी पर चढ़ाई जाती हैं आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ। जैसे कि आप आंवला चढ़ा सकते हैं, काली मिर्च चढ़ा सकते हैं, लौंग चढ़ा सकते हैं, तुलसी के पत्ते चढ़ा सकते हैं, एलोवेरा चढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें आयुर्वेदिक में आती हैं। तो मैंने यहाँ पर तुलसी चढ़ा दी है। आज धनतेरस है, यानी आज के दिन धन की पूजा की जाती है। आपके घर में जितना सोना चांदी है उसकी भी आप पूजा ज़रूर करें। और अगर आप आज के दिन चांदी का सिक्का लेकर आए हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग चांदी का सिक्का आज के लेकर आते हैं, मतलब कॉइन लेकर आते हैं, तो उसका जो है ना रोली चावल लगाकर इस तरह से पूजा करें। और आपके घर की तिजोरी में जो है ना, जहाँ पर भी आपके घर की तिजोरी है, मैं ये पूछ नहीं रही हूँ कि कहाँ पर, बता रही हूँ कि जहाँ पर भी आपके घर की तिजोरी है वहाँ पर जो है ना थोड़ा सा गंगा जल का छिड़काव करें, वहाँ पर जो है ना अच्छे से हल्दी से जो है ना स्वास्तिक बनाएं। क्योंकि हल्दी से इसीलिए मनाया जाता है क्योंकि हल्दी जो है ना भगवान विष्णु को बहुत पसंद है, और जहाँ भगवान विष्णु होते हैं वहाँ पर लक्ष्मी जी अपने आप आ जाती हैं।
है तो हल्दी से स्वास्तिक बनाना है और रोली चावल से उस जगह का पूजन करना है। इसके बाद अगर आप कोई नया बर्तन लेकर आए हैं, लेकिन कृपया करके स्टील के बर्तन धनतेरस पर ना लेकर आए। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारी दादी नानी तो स्टील के बर्तन लेकर आती थी, वो इसीलिए लेकर आती थी पहले के ज़माने में इतनी लोगों को जानकारी नहीं हुआ करती थी तो वो लेकर आ जाती थी। लेकिन तांबा पीतल एक तो अच्छी धातु है, शुभ धातु है, और ऊपर से जो है ना इसको अगर आपकी पुस्तें दस पुस्तें अगर इसको यूज़ करेंगी ना तो एक निशानी के तौर पर ये चीज़ें चलती हैं, हमें याद होता है हाँ हमने इस दीपावली ये ख़रीदा था। इसीलिए बोलती हूँ कि पीतल कांसा ये या सोना तो देखिए बहुत महंगा है, सबकी बजट में नहीं आ पाता है, तो इस तरह की धातु आप खरीदें। जब पूजा में ये बर्तन रखें तो इसमें कुछ ना कुछ आप डाल ज़रूर दें, कभी भी खाली बर्तन की कभी पूजा नहीं की जाती है। तो मैंने इसमें एक बतासा डाल दिया है, बतासे खिले का भोग लगा दें, और हाँ घर की कोई जो आपने मिठाई बनाई है उसका भगवान को भोग ज़रूर लगाएं। वैसे तो बाज़ार से भी आप ला सकते हैं, लेकिन घर की मिठाई की बात ही कुछ अलग होती है, क्योंकि उसमें जो है ना हमारी भावनाएँ होती हैं, हम बहुत प्यार से भगवान के लिए कुछ बनाते हैं। तो घर की मिठाई का भोग लगाएं, मैंने मिठाई का भोग नहीं लगाया है क्योंकि अभी मेरे यहाँ कुछ भी नहीं बना है, केवल आप लोगों के लिए मैंने वीडियो बनाया है। इसके बाद जो है ना पान के पत्ते के ऊपर लौंग इलायची और मिठाई बतासा रख के माता लक्ष्मी को भोग लगाएं, क्योंकि माता लक्ष्मी को पान बहुत प्रिय है इसीलिए पान पर भोग लगाया जाता है। इसके बाद गुलाल सिंदूर अबरक जो है ना इस तरह से फूल में लगाकर भी चढ़ा सकते हैं, आप चाहें तो इस तरह से चढ़ा सकते हैं। तो बहुत सिंपल तरीके से मैंने आज की वीडियो में आप लोगों को पूजा करके दिखाई है। ये पूजा जो है ना किस समय करनी है, इसका मुहूर्त का समय जो है ना मैं आप लोगों के लिए कम्युनिटी पर डाल दूंगी। आज के दिन धनिया का भोग जरूर लगाया जाता है क्योंकि धनतेरस है, तो धनिया आज के दिन आप थोड़ा सा धनिया खरीद के ज़रूर लाएं और उसका इस तरह से भोग लगा दें। अब जो है ना मैं कर रही हूँ कुबेर के दीपक की तैयारी। तो कुबेर का दीपक जो है ना घी का भी जलाया जाता है, तिली का तेल का भी जलाता है, और सरसों के तेल का भी जला सकते हैं। तो आपके पास जैसी सुविधा हो उस हिसाब से कुबेर का दीपक आज के दिन आप ज़रूर जलाएं। और आज के दिन यम का भी दीपक जलता है, तो वो कैसे जलता है वो उसका वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है, तो इसमें मैं नहीं बताऊँगी। इसमें केवल यम का दीपक सॉरी कुबेर का दीपक मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैंने एक चार मुखा वाला बड़ा दीपक लिया है, चारों दिशाओं में चार बातियाँ लगा दी हैं और बीच में इसमें कौड़ी डालनी है। मैंने इसमें कौड़ी डाल के नहीं दिखाई है क्योंकि अभी धनतेरस नहीं है, और चारों दिशाओं की बातियों का इस तरह से रोली चावल से मैं पूजन कर दूंगी और दीपक को जो है ना मैं प्रज्वलित कर दूंगी। आज के दिन 13 दीपक जलाए जाते हैं आटे के, क्योंकि त्रयोदशी है, धन त्रयोदशी के दिन आटे के 13 दीपक हमारे यहाँ चलते हैं। आपके यहाँ अगर आटे के दीपक नहीं जलते तो आप मिट्टी के 13 दीपक जलाकर अपने घर के हर कोने में जो है ना उन दीपकों को रखा जाता है। इसके बाद आपको आरती करनी है, आरती करने के बाद जल का अर्घ दे दें। कुछ लोग कहते हैं कि दिवाली की पूजा में माता लक्ष्मी की आरती नहीं होती, इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, ना हमने किसी में शास्त्र में ऐसा पढ़ा है। हम तो आरती केवल इसीलिए करते हैं ताकि भगवान की जो है ना नज़र उतार सके, क्योंकि जब हम पूजा करते हैं तो उस चौकी का जो है ना बहुत अच्छे से श्रृंगार किया जाता है और किसी को उस चौकी की नज़र ना लगे, इसीलिए जो है ना हम लोग आरती करते हैं। बाकी सब आपकी मर्ज़ी है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएँ।